We will start from question number 11 of exercise 5C. Question number 11 is 11 तक किए थे ना हमने हाँ yes sir x plus 1 into 2x plus 8 ये बीच में रह गया था टाइम वो हो गया था is equal to x plus 7 into x plus 3 this one. अब यहाँ पे बच्चे बीच में मल्टीप्लाई साइन इज देयर x को दोनों से प्लस 1 को दोनों से x into 2x plus 8 plus 1 2x plus 8 same here x x plus 3 plus 7 x plus 3 yes Khushbu what do we get 2x square plus 8x plus 2x plus 8 right hand side x square plus 3x plus 7x plus 21 सारी टर्म्स बच्चे या तो पहले लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो 2x square 8x plus 2x 10x plus 8 x square इस साइड आके माइनस हो जाएगा 3x plus 7x 10x become minus and 21 also of minus is equal to 0 2x square minus x square we get x square 10x say 10x cancel 8 minus 21, we get minus 13. Jasmine, 13 is the square of which number? Jasmine? 13 is the square of which number? Pushi? Yes, sir. Sir, root 13. 13 is the square of which number? Root 13 is equal to 0. Yes, Mehak. Identity, beta. Which identity is this one? Arshia. Sir, a square minus b square. X minus root 13 होगा एक बार x plus root 13. मैंने identity पूछी है बेटा वो तो होगा ठीक है. Sir, a square minus b square. A plus b a square minus b square. A minus. A is x. X plus root 13 into x minus root 13 is equal to 0. From here x we get minus root 13 and from here x we get plus root 13. These two are the roots of equation this. Now we have question number 12. X square minus a plus b into x plus ab. इस टाइप के समय बच्चे ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट है यहां पे देखो a plus b x से मल्टीप्लाई है x square minus ax क्योंकि माइनस है बाहर माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो जैस्मीन व्हाट इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू सर एक्स व्हाट इज लेफ्ट एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए यस सैमसंग किसके मोबाइल पे लिखा हुआ है नाम नहीं लिखा बेटा चलो शौर्या नेक्स्ट टू में बच्चे क्या कॉमन है माइनस बी माइनस बी व्हाट इज लेफ्ट सर एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए मींस ऑलरेडी जब इसको ओपन किया ब्रैकेट को तो ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी अपने आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट टू लास्ट टू एक्स माइनस ए सेम आ गया कॉमन व्हाट इज लेफ्ट x माइनस बी इसको बच्चे अलग से इसको अलग से x माइनस ए इक्वल टू जीरो x माइनस बी इक्वल टू जीरो फ्रॉम हियर x वी गेट खुशबू सर ए एंड फ्रॉम हियर बी बी दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज डिफरेंट वन x प्लस 3 होल स्क्वायर ज्यादा डिफरेंट नहीं है
थोड़ा सा डिफरेंट है. एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव. वन मेथड इज दिस वन दैट कि होल स्क्वायर ओपन कर दो. एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ओपन कर दो, माइनस फोर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. यहां पे देखो x प्लस थ्री होल स्क्वायर, यहां पे भी x प्लस थ्री है. तो यहां पे मेथड क्या होता है, जो चीज कॉमन है उसको लेट कर लो. x प्लस थ्री को a लेट कर लिया मैंने, यहां फिल कर दो इस इक्वेशन में. यस जैस्मीन, क्या आएगा बच्चे हमारे पास फिल करके? a स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव. वेरी गुड. अब इसकी बच्चे मिडल टर्म स्प्लिट. यस शुभा आशीष, नो जानवी, खुशी. यस सर, ये होगा माइनस फाइव ए और प्लस ए मल्टीप्लाई करके फाइव. लास्ट सिंबल माइनस, माइनस सब्रैक्ट करके फोर. एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, ये माइनस है. बिगर टर्म माइनस एंड स्मॉलर टर्म इज ऑफ प्लस. ए स्क्वायर माइनस अब फाइव एंड फोर, फाइव एंड वन, बिगर इज फाइव, फाइव माइनस का क्योंकि दिस साइन इज माइनस, माइनस फाइव ए. मिडल टर्म तो आती है ना बेटा आप सबको? यस यस सर. उसको वो देख लिया जी बच्चे मिडल टर्म वाला? यस सर. बस ए होना चाहिए ना, वन सॉरी बातों में रह गई, प्लस वन ए माइनस फाइव इज जीरो. ए माइनस फाइव एंड ए प्लस वन, दोनों को बच्चे अलग अलग जीरो की इक्वल. ए माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, ए बिकम ए माइनस फाइव, ए इज इक्वल टू फाइव एंड ए इज इक्वल टू सेकेंड था बच्चे ए प्लस वन, ए की वैल्यू माइनस वन. बट उन्होंने हमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है. हमने किसको लेट किया था ए? एक्स प्लस थ्री. एक्स प्लस थ्री इज फाइव. एक्स फाइव थ्री उस साइड जाके माइनस हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू. एक्स प्लस थ्री इज माइनस वन. फ्रॉम हियर एक्स वी गेट माइनस वन माइनस थ्री. X value minus 4. These two are the roots. 14 Excuse sum. Me, sir. हाँ जी बच्चे. सर हम पहले ही अगर A की values fill कर ले जब हमारा A minus 5 और A plus 1 आया था. Yes बच्चे. That is correct. वहाँ भी okay, fill sir. कर सकते हैं. एक ही बात है. मतलब दो step increase हो गए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Time ज़्यादा waste नहीं होगा. Hardly 5 to 7 seconds. 14 sum, same as like question number 13. You have to try it yourself. 14 sum, बच्चे अपने आप try करोगे? Yes, sir. Yes, sir. 15. Yes, sir. 3x minus 2 upon 3x minus 2 upon yes, बच्चे महक GST भी है बच्चे सिलेबस में. हम सारे chapters करेंगे. 3x minus 8 upon x plus 4. इसमें क्या करें? Yes, cross multiply. Cross multiplication. Very good. Same 3x minus 2 into x plus 4. 3x minus 8. अपने place पे 2x minus 3 बच्चे जाके multiply हो गए. Now it is same as question number 11. You have to try it yourself now. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Try karna. Nahi niklega bachche. To doubt mein kal pooch lena. Understood? Ho jayega? Yes, sir. Ho jayega. Yes, sir. Now question number 16. 2x square. माइनस नाइन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट पार्ट एक्स बिलोंग्स टू, दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एंड सेकंड पार्ट
x belongs to q, capital q. Capital n, Garima. Sir, natural number. Natural number. Khushbu, capital q. Rational number. Rational number. Means natural 1, 2, 3 up to infinite. Rational p upon q ki form hai, where p and q are integer and q is not equal to 0. First of all, you have to middle term split se bache isko solve karna. 10 to the 20, 20 ke factors, last symbol plus, jinko plus karein 9 aaye. Yes, sir, yes, minus 4, minus 5. Minus 4, minus 5. Yes, sir. बच्चे मैं जिससे पूछूं वही बोले प्लीज. ओके, फर्स्ट टू में बच्चे x कॉमन, 2x माइनस 5. नेक्स्ट टू में यस खुशी, व्हाट इज कॉमन सर? 2, नॉट 2. खुशबू सर, माइनस 2. माइनस 2 बच्चे, माइनस है तो माइनस टू. व्हाट इज लेफ्ट? 2x माइनस 5. साइन चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, मैंने यहां कॉमन पूछा तो प्लस 2 या माइनस 2. यहां माइनस है तो माइनस, यहां प्लस होता तो प्लस 2 बोलना है, वहां पे छोड़ना नहीं है, अदरवाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा. हम यहां पे प्लस भी होता ना, प्लस साइन ना डालते तो मल्टीप्लाई होता और हमारा सम रॉन्ग हो जाता. दिस इज करेक्ट, सेम वी विल राइट 2x माइनस 5 एंड x माइनस 2. इसको बच्चे अलग से जीरो के इक्वल, इसको अलग से. 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम हियर x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो. 2x फ्रॉम हियर 5 एंड x इज 5 बाय 2. फ्रॉम हियर x वी गेट 2. अब फर्स्ट पार्ट लिखना कैसे है वो देखो. फर्स्ट पार्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन x इज, जैस्मीन, Two. Second, when x belong to rational capital Q, then x is Simarpreet. Sir, 5 by 2. 5 by 2. These are the answer. ऐसे बच्चे mention करना है answer को. Understood? यहाँ तक same जैसे पहले किया middle term से, उसके बाद first और second part डाल के. Sir, 2 भी तो होगा. Sir, 2 नहीं होगा. रैशनल, यस सर, यस सर, सर होगा 2. होगा 2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर. नाउ 17 सम, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 is equal to 2 1 upon 2. इसको सॉल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे एलसीएम, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इज देयर, एक्स प्लस 3 इनटू एक्स माइनस 3 दोनों एलसीएम आ जाएंगे. राइट हैंड साइड में 2 to the 4 1 5 by 2. यस, यहां पे बच्चे स्नेहल खुशी, यस सर, क्या आएगा बेटा? ये सर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटी से मैच होगा. बच्चे यहाँ पे क्या है नीचे? सर x प्लस 3, यस सर. व्हाट इज लेफ्ट? x माइनस 3, यस सर. x माइनस 3 इनटू x माइनस 3, x माइनस 3 स्क्वायर, द होल स्क्वायर. सेम खुशबू, x plus 3 whole square. x minus 3 is there. What is left? x plus 3 into x plus 3. x plus 3 whole square. नीचे बनेगी बेटा a square minus b square. ऊपर पूछ रहा था मैं क्या आएगा. This is symbol of, this implies. a minus b का whole square सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. जानवी बोलो बेटा. मतलब मैं सिर्फ 3-4 बच्चों से पूछूं, बाकी से ना पूछूं, इसका मतलब यही है. खुशी बोल रही है, जैस्मीन बोल रही है, गरिमा बोल रही है और खुशबू बोल रही है. रिमेनिंग अर्शिया भी बोल रही है. अर्शिया भी बोल रही है, वेरी गुड. चलो, a माइनस b का होल स्क्वायर. अर्शिया बोलो बेटा. सर,
आइडेंटिटीज साइड पे लिख देना बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुशबू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री, सॉरी एक्स एंड थ्री, दिस इज एक्स अपॉन गरिमा. सर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन थ्री स्क्वायर, ठीक है नाइन ही आएगा बट सीधा नहीं लिखना, एक बार आइडेंटिटी जो है वो लिखो मेंशन करो, टीचर okay. को बता दो चले कि हमने क्या किया है. 2 into x into 3, 2 into x into 3. This is of negative, this is of positive. इनको कट कर दो, चाहे 6x लिख के कट कर दो, चाहे पहले ही कट कर दो. x square plus x square. यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ अभी. 2x square. 3 square 9, 3 square 9. 9 plus 9, 18. 18. नीचे x square minus 9 is 5 upon 2. Cross multiply. Yes, Jasmine, क्या आएगा? 2 into 2x square plus 18. सीधा बोल क्या लिखूंगा फटाफट. 4x square plus 36. आगे बोल जैस्मीन. 36 बोल तो दिया सर उन्होंने. आगे बोल राइट हैंड साइड. 5x square minus 45. 4x square plus 36 minus 5x square plus 45 is equal to 0. 4x square minus 5x square minus x square. 36 plus 45. क्योंकि x वाली तो कोई टर्म है नहीं. 5, 6, 11, 5, 3, 8 plus 81. एक या तो इन दोनों को उस साइड ले जाओ चाहे माइनस कॉमन ले लो. माइनस वन कॉमन ले लो. x square minus 81 is equal to 0. x square minus 81. 0 upon minus 1. We get 0. Yes, Garima. Now what we can do? Sir, x square minus 9 square. Very good. Identity. देखो दोनों में common कुछ नहीं है. Identity बन रही है? बन रही है. Middle term हो नहीं सकती, two ही terms हैं. a square minus b square. x plus 9. x minus 9, x plus 9 अलग से 0 के इक्वल, x minus 9 अलग से 0 के इक्वल. From here, x we get minus 9 and from here, x we get plus 9. These two are the answers. Next sum, 18, 19. You have to try. You can try. Yes, Kushbu. Sir. Garima. Yes, sir. We can Janvi. जैस्मीन yes, sir. मुझे एक बात और बताओ, फोर फाइव सीट के टेन सम तक सबने कर लिया होमवर्क? यस सर. जैस्मीन नो सर, अभी थोड़ा सा रहता है. देख ले बठिंडा ना आना पड़ जाए फिर से तेरे को लास्ट ईयर की तरह. सर आना ही पड़ेगा. आना कैसे पड़ेगा, अब तो बुआ भी नहीं है यहाँ पे. आ जाएगी सर थोड़े टाइम बाद. थोड़े टाइम बाद आ जाएगी. चल कोई बात नहीं, जितना होता है उतना तो कर. हाँ जी सर. 20th 18 19 बच्चे थोड़ा थोड़ा काम देता हूँ. 40 मिनट्स की क्लास होती है, उसमें कितना काम होता है किया कर बच्चे. वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, 1 minus 1 upon x minus 1 is equal to 7 upon 8. इसमें भी कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 है. What is the LCM here? 1 and x plus 1. Garima? x plus 1. Khushbu, first term क्या आएगी? Sir, x plus 1. Second? Plus 1. Plus 1. यहाँ पे बच्चे एलसीएम खुशी x माइनस वन, फर्स्ट टर्म x माइनस वन, सेकंड टर्म माइनस वन, आगे क्या लिखूं, वन इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट. x प्लस वन प्लस वन प्लस टू, नीचे x प्लस वन,
सेम ब्रैकेट, यहां पे बच्चे x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, सेवन अपॉन एट। ऊपर भी आइडेंटिटी बन गई बच्चे, नीचे भी आइडेंटिटी बन गई। जैस्मीन ऊपर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। वेरी गुड। नीचे खुशी? सर x स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, सेवन बाय एट। x square minus 4 upon x square minus 1 is 7 upon 8. Cross. उसके बाद आगे सॉल्व कर लोगे सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जानी है। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट हमें गिवन है 3 and 5। अब एक न्यू आइडेंटिटी, फर्स्ट 20 साउंड तो फैक्टराइजेशन से, अभी क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या करना है? दीज आर द रूट्स, तो दो चीजें, सम ऑफ रूट्स, दोनों का सम 3 plus 5। सॉल्यूशन सेट मतलब दीज आर द रूट्स, ये क्या है? रूट्स हैं। सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3 into 5 दैट इज 15। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। याद रखना बच्चे इसको, x square minus sx plus p is equal to zero. S means sum of roots, p means product of roots. X square minus sum हमने find किया था, that is 8, s के place पे 8 आ जाएगा, p product that is 15. हो गया, this is answer, simple. याद रहेगी identity बेटा, x square minus sx plus p is equal to zero. S means sum of zero or roots. That is the same thing. Sum of roots, P means product of roots. Understood? Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Sir, is exam. Sir, I have done by example 10. बच्चे वो भी है method, वो भी बता देता हूँ. वो minus B upon A, C upon A, वो find करना पड़ता है. Okay? एक बार तुम okay, इस sir. method से कर लो, वो भी बता दूँगा. Now, second part you can try. Yes, sir. Next is question number 22. Solve x upon 3 plus 3 upon 6 minus x. Exercise is very good. 2 into 6 plus x अपॉन 15, एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, ये साथ में दिया हुआ है, पता है क्यों दिया होता है ये साथ में? गरिमा? यस सर। इट मींस एक्स इज नॉट इक्वल टू 6 गिवन है, व्हाई इट इज गिवन? सर क्योंकि अगर सर जैसे एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी तो फिर हम लोग वो मानेंगे नहीं, दूसरी वैल्यू मानेंगे। क्यों मानेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दिया होता है ये? यही रीजन पूछ रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है। सर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, बच्चे फिल करके देखो, नहीं यहाँ पे फिल करके देखो, 6 माइनस 6 जीरो बन जाएगा ना, 3 अपॉन 0 दैट इज नॉट अ रैशनल, नीचे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई दिस इज गिवन, साथ में गिवन होता है कि x नॉट इक्वल टू 6। अंडरस्टूड? ओके सर। सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। नीचे बच्चे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 गिवन है साथ में, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम फिल करेंगे, 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा, 3 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नीचे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने पहले साथ में दिया होता है कि 6 नॉट x इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे फिल करेंगे तो जीरो बन जाएगा, मतलब इसका रोल कोई नहीं है, x 6 के इक्वल हमारे पास आंसर आएगा ही नहीं। अंडरस्टूड? यस सर। इसका सिर्फ ये मीनिंग है कि ये इसलिए दिया होता है कि यहाँ पे 6 फिल कर देंगे नीचे तो जीरो बन जाएगा, नीचे जीरो नहीं आ सकता कभी भी। अब सिंपल सम है बच्चे,
3 and 6 minus x is the LCM. 3 is there, 6 minus x into x. एक बार मैंने ऐसे प्रॉपरली लिख दिया. 6 minus x is there, 3, 3 into 3, that is 9. इस साइड बच्चे मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 2 से किया, 12 plus 2x upon 15. x को दोनों से किया, 6x minus x square plus 9 upon में बच्चे 18 minus 3x. 12 plus 2x upon 15. क्रॉस मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 15 6 जा 90x minus 15 into x square, 15x square plus 15 9s are 135. Same way, 18 into 12, 18 to the 36, 3, 18 216. 18 into 2x plus 36x minus 3x को करेंगे बेटा minus 36x minus 6x square. 36x से 36x cancel. अब सारी टर्म्स को उस साइड ले जाएं, किस साइड ही रहने दें? सर उस साइड ले जाइए, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा हमारा. यस सर. 216 जो टर्म उस साइड पढ़ेंगे पहले वो रखो, माइनस 6x स्क्वायर, 90x उस साइड जाके माइनस, 15x स्क्वायर उस साइड जाके प्लस, एंड 135 बिकम्स माइनस. 15x square minus 6x square, we get 9x square. इस साइड जीरो, जीरो इज कंपलसरी, लिखना जरूरी है बेटा. 90x एक ही टर्म है. 6 minus 5, 1. 11 minus 3, 8. 1 minus 1, 0. Plus का 80, 1. अब इन तीनों में बच्चे 9 कॉमन है. x square minus 10x plus 9 is equal to 0. 9 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9. हियर 0 अपॉन 9 इज 0. यहां पे बच्चे मिडिल टर्म्स प्लेट. खुशबू क्या फैक्टर्स बनेंगे बेटा, मिडिल में क्या लिखूं मैं, फटाफट बोलो. सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x माइनस x प्लस 9. वेरी गुड. फर्स्ट टू लास्ट टू, x इज कॉमन, x माइनस 9. Minus 1 is common, x minus 9. X minus 9 and x minus 1. Now only 10 minutes are left. Ho jayenge 4, 5 sums to ho hi jayenge aur. X value 9, from here x is 1. Yes, bache? Sir, question number 22 ka second part bata dijiye. Solve the equation this, if possible, for real value of x. बच्चे हमने एक्सरसाइज 5B की थी, 5B एक्सरसाइज की थी बेटा. यस सर. की थी ना? यस सर. वहां पे हमने नेचर फाइंड की थी ना, रूट कैसे फाइंड की थी? यस सर. हाउ वी कैन फाइंड द नेचर, कैसे फाइंड की थी, वही वो पूछ रहा हूँ बच्चे. B स्क्वायर सर बाय सर b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म. अब इस समय वही चीज है, मतलब उन्होंने बोला है इफ पॉसिबल, मतलब पहले डिफाइन करना पड़ेगा उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा. 3x by 4 plus 2. सबसे पहले काम क्या करना है, अपॉन को खत्म करना है बाय टेकिंग द एलसीएम. 4 इज एलसीएम, 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया. नो सर. 36x square plus 3x plus 8 is equal to 0 into 4, 0. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? 36. 30. So now b, every 3 day. And c. D bache koi baat nahi. B square minus 4ac. 3 ka square minus 4 into 36 into 8. 9, 144 into 8. 8 was a 32, 3, 32, 3, 35, 3, 30. Minus 1, 3, 4, 3. Negative agi tiki value. Yes, yes Garima. Sir. Roots yes, are sir. Real or not? Roots are real or not? Sir, they are imaginary, not real. मतलब इन्होंने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में.
if possible for real value of x? No, there is no real value of x is possible. Yes, sir. Reason, since d is less than zero. Okay. Okay. Likh loge iske baad? Yes, sir. Likh lungi. Okay, sir. Now we have question number 23. Find the value of x if a plus 1 is 0 and x square plus ax minus 6 is equal to 0. एक तो बच्चे a plus 1 0 के इक्वल गिवन है. यहां से a की वैल्यू जैस्मिन क्या आएगी? माइनस 1. माइनस 1. अब सेकेंड इक्वेशन क्या दी है बच्चे? x square. Now x square plus ax माइनस 6 इज इक्वल टू 0. जहां पे a है आकाश, वहां पे क्या फिल कर देंगे हम? माइनस 1. माइनस 1. माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 6. इसके बाद मिडल टर्म स्प्लिट करो, x की दो वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी बेटा. यस सर. यस सर. इजी सिंपल. मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, a प्लस 1 अलग से 0 के इक्वल दे दिया, वहां से हमने a की वैल्यू फाइंड की, जो इक्वेशन मेन है उसमें फिल कर दी. सिंपल मिडल टर्म स्प्लिट. क्वेश्चन नंबर 24 सेम. अब दो वैल्यूज गिवन दे दी, a प्लस 7 भी 0 की इक्वल, b प्लस 10 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू फाइंड कर लो माइनस 7, यहां से b की वैल्यू 10 उस साइड जाके माइनस 10. इक्वेशन क्या गिवन है हमें? 12x स्क्वायर. नाउ 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस b. 12x स्क्वायर जहां पे a है वहां पे a की वैल्यू दैट इज माइनस 7, x एज लाइक माइनस b, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, सारी टर्म्स एक साइड पे. 12 टेन्स आर 120 के फैक्टर, जिनको माइनस करें 7 आए, 12 एंड 5. यू कैन डू इट? यस सर. खुशबू मिडिल टर्म स्प्लिट आने लग गई बेटा अच्छी तरह से? यस सर. यस सर. देख लिया था लेक्चर? हाँ जी सर. मेरे मेथड से कर रहे हो कि अपने मेथड से? सर आपके सर जो इजी सम्स होते हैं वो तो सर डायरेक्ट हो जाते हैं. सर जो सर थोड़े लेंथी होते हैं सर, वो मतलब मैं आपके मेथड से कर लेती हूँ. ओके. बस साइन का बच्चे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट में साइन का चक्कर पड़ता है और कुछ नहीं होता. अंडरस्टूड? यस सर. 25th. वाई इज गिवन 2x plus 3. To solve for x, क्या गिवन है बच्चे? 4. Use the substitution y is equal to this to solve for x. 4, 2x plus 3 whole square minus 2x plus 3 minus 14. अब बच्चे यहां पे इन्होंने खुद दे दिया कि 2x plus 3 को y fill करो. जो सम हमने 13 and 14 किए थे वहां हम a लेट कर रहे थे, वहां y भी लेट कर सकते हैं, k भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं. सेम क्वेश्चन इज दिस वन, जहां पे ये वैल्यू आ रही है वहां पे y फिल कर दो. 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 14. मिडल टर्म स्प्लिट करो, y की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको यहां पे फिल कर दो इस प्लेस पे, y के प्लेस में, x के प्लेस पे, सॉरी y के प्लेस पे. तो x की वैल्यूज फाइंड कर लोगे? यस सर. सिंपल एनफ. सिंपल एनफ है, इजी है. यस सर. क्वेश्चन नंबर 26. Without solving the quadratic equation, find whether this is a solution of this equation or not. This is as like question number 5A exercise ka second sum. वहां भी हम solution check करते थे ना, कैसे करते थे? Left hand side and right hand side. Left hand side में fill करना है, zero आ जाएगा, मतलब x की value 2/3 given है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. जहां पे x है वहां पे ये फिल कर दो. आंसर राइट हैंड साइड 0 है, उसके इक्वल आ जाएगा, तो यस इट इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट. अंडरस्टूड? यस सर. विदाउट सॉल्विंग मतलब x की हम वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे, हम इसके अंदर फिल करके उसको चेक कर रहे हैं कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 सेम. अपने आप करोगे बेटा इसको भी?
सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वजह के प्लेस पे माइनस वन फिल करना। क्वेश्चन नंबर 28, x is 2/3 is a solution of quadratic equation this. Simple enough. अब x is equal to 2/3 इसका solution given है, जहां पे x है वहां 2/3 फिल कर दो, m into 2/3 minus 3, इस equation में से you can find the value of m, हो जाएगी yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jasmine? Yes, sir. Khushi? Yes, sir. Akash? Yes, sir. Okay. Question number 29. Now, two solutions are given. Same. वही same questions आ रहे हैं. As like 5A का बच्चे, हमने 4th and 5th sum किए थे ना? पलट के देखो 5A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 and 5। यस सर। वहां पे टू सॉल्यूशंस गिवन थे, यहां पे भी टू सॉल्यूशंस गिवन है, दोनों को इसमें फिल करना है, दो इक्वेशंस बन जाएंगे, उसको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट यू हैव टू सॉल्व। यू कैन डू इट? यस सर। ट्राई करना बच्चे, नहीं आएगा तो कल हम डाउट में पहले करें। 30th, if quadratic equation x square minus m plus 1 into x plus 6 is equal to 0 has one root as x is equal to 3, find the value of m and the other roots. Ab ek solution kya given hai, root kya given hai, 3, jahan pe x hai wahan pe 3 fill kar do. Only 10 less than 1 minute is there, so yahan pe main padhavat kar raha hu. Oh sorry, 3 x के प्लेस पे 3, माइनस 3m माइनस 3 प्लस 6, माइनस 3m 15 माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 3m इज 12 एंड m वी गेट माइनस 4। अब सेकंड रूट फाइंड करना है, ये m की वैल्यू यहां फिल कर दो। नाउ x स्क्वायर माइनस माइनस 4 प्लस 1 इनटू m x एज लाइक प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस